क्रांतिकारी जयबीन सर्वांना आज आपण आलो आहोत पनवेल सदर ठिकाणी आणि तुम्ही पाहू शकता की पनवेल एज्युकेशन सोसायटी मध्ये एक मोठा मीन्स इलेक्शन साठी लोकांनी आवाज उचलली होती पण इथे काही कमिटी असल्यामुळे त्या कमिटीचं नेहमीच ते हलून पाडायचं काम ते करत होते तर त्याच संदर्भात आज व्हॉट्सअप ग्रुपवरून एक मोठा वाद निर्माण झाला होता त्या अनुषंगाने आज पनवेल पोलीस स्टेशनमध्ये एक मोठी तक्रार झालेली आहे तर आपण भेटणार आहोत इथले आझाद समाज पार्टीचे सुफियान मुकदम जे सचिव आहेत तर त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की काय प्रकार आहे आणि त्यांनी आणण्याचा वादा कसा बोलला. क्रांतिकारी जयभीम काय सांगाल आपण शिक्षण भाई ऐसा है ना कि कुछ दिनों से ना अभी अपने यहाँ के तुमको तो पता है अपन हमेशा सोशल वर्क करने में आगे रहते हैं तो पनवेल एजुकेशन सोसाइटी को जो 12 मेंबर है 12 मेंबर में से जो 5 मेंबर अलग है 7 मेंबर अपोजिशन है तो इन लोगों ने 5 मेंबर जो नाके पे लिस्ट लगाई ये एक पेपर लगाया था कि बाबा जो पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट और ये जो है मेंबर जो सात कमेटी में वो लोग इलेक्शन लेने से इलेक्शन जो है बोगस इलेक्शन कर रहे हैं और तकलीफ यानी कि ऐसा कर रहे हैं कि उन लोगों ने ऐसा डिक्लेयर किया कि हर बंदा 50-50 वोटर बनाओ और आपस में इलेक्शन करो जबकि बायलॉज के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है कि हर 3 साल उसको 3 साल में इलेक्शन होते हैं उसके तो जो यहाँ के जो स्थानीय जैसे हम लोग हो गए बहुत सारे जो खानदान वाले जो स्थानीय उधर गए तो सबको हक है कि पनवेल एजुकेशन सोसाइटी में वो अपने वोट दे सकता है वोटिंग के लिए खड़ा हो सकता है जो मेंबर में 1000 रुपये देकर कोई भी लाइव मेंबर बन सकता है और 50 रुपये देकर एक महीने का जो एक साल का जो है ना बायलॉज है बायलॉज के हिसाब से तो हमने क्या उनको बोले कि भाई जो बायलॉज में लिखा हुआ है वो हिसाब से तुम है ना संविधान को हम संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं हम लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं हम कभी भी न्याय की बात करेंगे तो हमने उनको बहुत बार उनके साथ हमारी मीटिंग हुई हम क्या बोले उनके ऑफिस में उन्होंने बुलाया वहाँ पे CCTV आप फुटेज देख सकते हो वहाँ पे उन लोगों ने बुलाया आप हमारे पास आओ हम बात करते हैं मैं आप लोग क्यों ऐसा करें तो उन लोगों ने उस दिन क्या बोले कि नहीं हम आपको जो आपको चाहिए वैसा घर के दे देंगे टेंशन मत लो चलो देखते हम निकले. दूसरे दिन इन लोगों ने बोले कि 12 मेंबर पूरे बुलाओ बिठाओ फिर मीटिंग करते तो उनके गोडाउन में उन्होंने बुलाए तो भी हम रिस्पेक्टेबल उनके पास गए बोले 600 वोट फॉर्म देते और 600 वोटर हम बना देंगे ये उन लोगों ने हमको बताया. सेकेंड डे हम लोग बच्चे स्कूल के बाहर हाँ और उसके बाद इन लोगों की मेन टॉपिक क्या है कि जो ये बनेगा मेंबर वो स्थानिक अरे सब तो स्थानिक है 6 महीने में तो यूरोप भी उनको पासपोर्ट दे देता है अरे 100 साल से जो लोग रह रहे हैं लोग ने अभी तक मोहल्ले में उनको नेशनलिटी नहीं दी है ये तो कौन सी बात हो गई. आज का वाक्य क्या हुआ अभी आज का वाक्य हुआ कि सुबह में हम लोगों ने कल इनको बहुत प्रयत्न किए इन लोगों ने हमको पागल बनाया बोला कि वहाँ पे स्कूल में बिठाए तो हम लोग इतनी पब्लिक हमारे साथ है सब आक्रोश में एक ही मसला था कि बाबा इलेक्शन होने इलेक्शन करो हम नॉर्मल चीज पर बैठे फेयर होनी चाहिए ओपन करो आप किसी को तकलीफ मत दो जबकि हमको नई नई बातें वहां से आ रही है वो प्रशासन का काम है उनसे उगलना. हमको ऐसा पता चला कि इन लोगों ने कुछ वहां के टीचर लोग को परमानेंट करने के लिए 3-3.5 लाख रुपए उनसे डोनेशन ये लिया फीस लिया तो फिर वो 54 लाख रुपए जो किधर है चलो उसका नहीं है ना तुम पैसा भी नहीं ऑडिट भी नहीं देना चाहते लोगों को और जो यहाँ के समाज का काम है ना समाज के काम में तुम अगर अरे यार बड़े बड़े बलवान लोग अगर ऐसा करेंगे बहुत बड़ा स्कैम है स्कैम चल रहा है. अच्छा फिर वहाँ पे जब हम गए तो हमारे को ऑफर दे रहे मेरे को बोलते हैं पैसे का ऑफर पैसे से बोले तुम्हारे वो बोले क्या चाहिए 1 लाख रुपए हम क्या भिखारी दिख रहे क्या पैसे के लिए हम जो है कौम के लिए लड़ने वाले लोग है कौम के हक के लिए हम हक परस लोग हैं कौम के लिए हक के लिए बाबा मैं जो कौम में जन्मा हूँ उनके लिए तो काम करूंगा ना कि उनके लिए जो हक ना हक के लिए जो भाई उनके ऊपर चोर अगर चकार बैठे तो उनसे सवाल पूछने का हक है ना इनका संविधान ने दिया संविधान ने हक दिया है इनका बोलना क्या मालूम हम पैसे वाले लोग हैं हमसे सवाल कोई नहीं पूछेगा सवाल पूछेगा तो तुम्हारी माँ की और बहन की ऐसी गालियां इनकी. अब जब पुलिस चौक हम लोग गए इनके घर के नीचे हम गए जाके क्या बोले कि बाबा ऐसा है अरे बड़ा बलवान सेठ आदमी है मैं बोला भाई तुम एक काम करो हमारे को न्याय दो मांग करने का अधिकार दिया है ना हमारे को फ्रीडम हमारे को स्पीच देने का फ्रीडम है ना पीसफुल जाके भाई हमारे को न्याय दो ये बोले तो आ गए चौकी में तो हम भी उनको हमको बोले हम भी इधर आ गए. अब यहाँ पे जब चौकी में आपको चल रहे आप कायदे अनुसार हम कायदे पे चलने पहले भी बोल रहा बाबा साहब के भक्त है बाबा साहब के संविधान को फॉलो करने वाले लोग है तो इन लोगों ने अपने को धमकाया है वहां से बहुत बाद में एक बंदे से मेरे को बोल के भेजे बोले तुम्हारी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ है ना इसका मतलब कि आप मेरे को गोली मरवाने वाले हो गोली मार दो. उसके पहले 2 दिन पहले मेरे को टॉर्चर चालू है दुनिया का इन लोगों ने पहले टॉर्चर किया तो भाई जो अपन सही रास्ते पे तो हम किसी को डरते नहीं है. यहाँ पे चौकी में आया चौकी में आने के बाद में जब अंदर बात चल रही है इकबाल काजी जो है प्रेसिडेंट उनकी हमारी बात चल रही है ठीक है साहब आपके घर गए हम आपको जगाने के लिए गए कि जागो जनता आपसे नाराज है तो इन्होंने क्या कि आसिफ परेल जो इनके साथ के एक बॉडीगार्ड है वो आपने सुना होगा इसके बिल्डर उसके भी उसमें भी उनका कोई मर्डर वगैरह में उनका वहीं पे भी नाम आ चुका है ये बड़े बड़े डॉन भाई लोग हैं तो मैं इनको अपन पूरा नहीं पढ़ सकते सुरेश बिजलानी वगैरह उनके साथ के लोग हैं बड़े बड़े डॉन है तो इन्होंने मेरे को बाहर पकड़ के
तेरी माँ की तेरी बहन की बोले तेरे को ठोक देंगे, ये कर आसिफ करेंगे पुलिस चौकी के अंदर साहब लोग खड़े होंगे यहाँ पे। हाँ होंगे ना, उसकी तेरे को बोले गांडू तेरी औकात क्या ये वो, मैं बोला भलती बात करो मत, मैं न्याय के पे चलना कौन है तू, मतलब मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे को तो मेरी जो समाज मैं भीम आर्मी मेरा समाज है, मैं भीम आर्मी के लिए काम करता हूँ, मेरा समाज है, दलित समाज हो गया मुस्लिम समाज हो मेरा समाज है। मेरे को अरे चल बोले ऐसे कितने देखे वो उनका क्या लायकी है, क्या लायकी हमारे हमारे पक्ष की लायकी है, हमारे पक्ष की लायकी नहीं कर रहे, भीम आर्मी की लायकी मालूम है, भीम आर्मी की लायकी हम दिखाते। तो बाद में मेरे को बोलता है कि तेरे को बोले कैसा ठुकता हूँ तो देख मैं, तो उसके अंदर उसका भतीजा साथ करे और उसका और एक भतीजा वो यहाँ पे मेरे को बाहर चौकी के बाहर आने के बाद, क्योंकि इनके पास पैसा है पावर है, सीधा मेरे को बता रहा है बोले देखो आमदार प्रशांत ठाकुर ने कितने बार फोन किए तुम्हारे वो किधर गला डालेंगे हम, बोला गला डालो एक ही जान है तुम लो या तो ऊपर वाला लेंगे दोनों में चाबी ले वो है ना ले लो जान, बोलते प्रशांत ठाकुर हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, पुलिस हमारे, तुम क्या करेंगे, मैं हमारा काम है पुलिस प्रशासन से अधिकार मांगना, हक मांगना, अगर ये हमारे को हक दे सकते और हक अगर ये देने का ये अधिकार इनको है ये दे सकते तो वेल एंड गुड। तो अभी इस बात पर जो आज वाकया हुआ आपके ऊपर यहाँ पे जान से मारने की धमकी दी, जहाँ पे FIR होता है 506(2) का, एक्चुअली क्या हो गया कि नहीं लिया अभी लोगों ने, देखो ये FIR मेरी एनसी लिया FIR भी नहीं, और मेरे को क्या बोले पहली बात तो देखो जल्दी पढ़ो फटाफट पढ़ो, अरे भाई आराम, मेरे को देखो मराठी साफ पढ़ने आता नहीं है, तो मैंने बोला कि मेरे जो अभी सिद्धूदन कामले वगैरह इनको बुलाऊंगा इनको पढ़ने दो, वो इतनी घाई करने लगा कि अपन FIR भी सेटिस्फाइड नहीं है, कैसे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है अभी एनसी अपन ने दिए वो तो हमारी जनता साथ में, तो इन लोगों ने एनसी ली हमारी, सुफियान मुकादम आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मेरा नाम मतीन पटेल है। क्या हुआ वाकयात और क्या यहाँ पे पनवेल एजुकेशन ट्रस्ट सेफ है, क्या लोगों को न्याय मिल रहा है, कि क्या बताएंगे आप? असल में ये मुद्दा शुरुआत तब से हुआ है क्योंकि पनवेल एजुकेशन सोसाइटी एक ट्रस्ट हमारे मुस्लिम मोहल्ले के अंदर है जिसके अंदर एजुकेशन लेते हैं बच्चे, ये एक एजुकेशनल इदारा है संस्था है, उसके अंदर उसके बायलॉज के अंदर ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला कोई भी मुसलमान भारत देश का कोई भी मुसलमान चाहे वो किसी भी स्टेट का हो यहाँ पर आकर ₹1000 भरकर इसका मेंबर बन सकता है, ये बायलॉज है, ये संविधान मतलब जो संस्था का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये लोग किसी को बनाते नहीं है, अभी आज की कंडीशन में उधर 184 मेंबर खाली लाइफ मेंबर है और ये लोग वो 184 मेंबर के अंदर से चुन के आए हैं इलेक्शन लगा के, और ये लोग इलेक्शन में आए हैं, ये इलेक्शन भी वैलिड नहीं था, ये लोग ऑलरेडी ये संस्था पे बैठे हैं, ये दादागिरी और कब्जे से बैठे हैं, इसके पहले जो इलेक्टेड नहीं है इनका इलेक्ट माना ही नहीं गया है, चैरिटी कमीशन से इनको लेटर भी आया है, तो ये लोग एक तो बैठे हैं दादागिरी से, और अब हमारा बोलना ऐसा है कि हर पनवेल के मुसलमान को उस संस्था से जुड़ने का मौका दो, हम ₹1000 भरने को तैयार है, हमने चेक भी भेजे थे और लेटर भी भेजे थे, वो हमारा वापस भेज दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, जो काबिल है वो चुन के आ गए, हाँ हमारा बोलना ऐसा है कि जितने मेंबर बनना चाहते हैं पनवेल के मुस्लिम उतनों को बनाओ और उसमें से एक फेयर इलेक्शन लो, जो लोग चुन के आएंगे अगर ये लोग ही चुन के आए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट होने के बाद ये लोग ही संभालेंगे, लेकिन ये लोग ये सब करने को मांग रहे नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके ही घर के लोग इनके ही दोस्त लोगों के फॉर्म गच्चूप से घर में भर के उनको रातों रात मेंबर बना के ये वो इलेक्शन लेना चाहते हैं, हमारा उसको विरोध है, हमारा बोलना है कि ओपन और फेयर इलेक्शन लो जिसके अंदर सबको जुड़ने का मौका मिले और उसके बाद वोटिंग करने का मौका मिले, तो ये लोग जल गए कि हम पैसे वाले हैं, ये लोग ने बहुत सारी धांधली भी की है, और ये लोग का बोलना ऐसा सामने तो ऐसा बताते कि स्कूल में हम पैसा लगा रहे हैं, हम हमारे जेब के पैसे लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, अरे भाई तुम क्यों जेब के लगा रहे हैं, जब कुछ नहीं मिल रहा है तुम लोग बोलते हैं, स्कूल में इतना लॉस है तो भाई सब इलेक्शन लो, जो लोग आएंगे दूसरे चुन के उनको करने दो, लॉस का देखने दो, लॉस है फायदा है क्या है समझेगा, लेकिन ये लोग इसको मानते नहीं, दादागिरी पे उतर गए। आज क्या वाकया, आज जो वाकया हुआ उसमें ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे इकबाल काजी जो इनलीगली जो प्रेसिडेंट बन के बैठा है वो हमारी बात को डिनाई करता है, मानता नहीं, अपना पैसे का और अपना उसका रुबाब दिखाता है, तो हुकुमशाही दिखाता है, जो डंडेली दिखाता है, तो अपने कुछ बच्चे उसके घर पे जाके नारे मारे कि इकबाल भाई तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, इकबाल भाई का ऐसा मतलब ये सब चीजें बोले, स्कूल से लेके संविधान के दायरे में रहते हुए जो नारे है वही बोले, अब वो एलिगेशन लगाते गालियां दिए ये दिए वो सब झूठ बात है, और दूसरी बात ऐसा है कि हम लोग
इधर आ गए थे क्योंकि वो लोगों ने पुलिसों का भी दबाव हमारे पे लाए थे, क्योंकि हम लोग ये सारी मुहिम एक व्हाट्सएप ग्रुप पे चला रहे हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है वो सुफियान मुकादम का भाई सलमान मुकादम है। तो उसको कल पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि तुम्ही या ना बेटा, तुमच्या ग्रुप मध्ये काय चाललेलं आहे। तो हम लोग उसका जवाब देने पुलिस स्टेशन ऑलरेडी आए थे कि साहब क्यों बुलाए, हमने क्या ऐसा किए है। तो बात चली थी और ये लोग उधर उनके घर पे गए थे तो इधर आ गए वो लोग उसकी कंप्लेंट देने, इकबाल काजी, आसिफ करेल। और आसिफ करेल ने इधर आने के बाद जो तमाशा किया वो अपने आप को बता रहा है कि बहुत बड़ा डाउन हूँ, एक एक को देखूंगा, सामान में बोलता है कि मेरे को गायब कर देगा, सामान अंदर घुसा दूंगा, तेरे को गायब कर दूंगा। अब वो लोग पैसे के जोर पर शायद समझते कि पुलिस को मैनेज करेंगे, लेकिन पुलिस के दरमियान पुलिस के अधिकारी यहाँ पे सामने पुलिस के सामने बोला मौजूद होने पर भी यहाँ पे दम दे रहा है, जो काट दूंगा, मार दूंगा, ठोक दूंगा। अरे उनके सामने और दूसरी बात पुलिस ने कुछ नहीं लिया उसके ऊपर। और दूसरी बात ये आसिफ करेल जो इस समय है ये नवी मुंबई के बहुत बड़े गुंडे का, जिसका नाम सुरेश बिजलानी है, उसका पार्टनर है, उसके साथ रह चुका है, दो तीन नवी मुंबई में मर्डर हुए, उसके अंदर भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, आरोपी है नहीं, लेकिन ये बच के निकल गया पैसा वैसा दबा के। अब उसके ऊपर अपने को वापस ओपन करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे को दबा रहा है, हमारे को मारने की धमकी दे रहा है, कुछ नहीं लिया, अरेस्ट नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है कि कल इन फ्यूचर में सुफियान मुकादम या इस कौम का कोई बंदा खतरे में है? सबको खतरा है, जितने लोग इनके अगेंस्ट में खड़े हैं सबकी जान को खतरा है। अगर कल को हमको कुछ होता है तो इनकी हमारी जान की जिम्मेदारी इन्हीं तीन चार लोग जो है। तो आपकी क्या मांग है शासन प्रशासन से, आप क्या हमको न्याय दो और हमारी बातों को जो मुद्दा है हमारा लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो हमारा मुद्दा है उसको माना जाए और हमको सिक्योरिटी दी जाए, नहीं तो ये घातक लोग, ये क्रिमिनल लोग हमको मार डालेंगे। सबसे पहली बात तो ये खुलेआम मेरे को 10 बार है ना प्रशांत आमदार ठाकुर का फोन दिखा रहा है कि देख फोन आ रहा है, आमदार का फोन आ रहा है, हम लोग किससे डरते नहीं, बोले पुलिस भी हमारी, सब हमारा, बोले तेरे को तो, बोले मेरे को पुलिस स्टेशन के अंदर बोल रहा है तेरे पे मैं खंडनी डालूंगा। अब कौन सी खंडनी डालूंगा, साहब को मैं बोला, बोले सर तुम्हारे सामने बोल रहा है झूठी खंडनी डालूंगा, लेंगे इन लोग, मतलब इन लोग की दादागिरी आप लोग साइन कर रहे हैं और वन साइड पुलिस वाले हमको गाली दे रहे हैं कि आप निकलो बाहर यहां से, यहां पे आने का नहीं, चलो एक जना दो जना, और ये लोग बिठा रहे बात कर रहे, और जो इनके बात हो रही है अभी हमारे, हम बोले हमारे इंच लो तो फट 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 जल्दी करो जल्दी करो, ये पैसे कहाँ का न्याय है? आपको न्याय चाहिए, पैसे वालों के लिए न्याय है और गरीबों के लिए और जो आवाज उठाने वाले उनके लिए न्याय नहीं है। अभी हमको मंगता है प्रशासन न्याय, और मेरे देश तो संविधान से चलता है ना। और दूसरी बात, इन लोगों ने अभी मेरे को मेरी जान का धोखा है, सीधी बात बोल रहा हूँ, इन लोगों का भरोसा नहीं, लोगों ने तीन चार दिन से मेरे को बोल चुके कि तेरी गाड़ी जो है ना ब्लड प्रूफ अभी यूज कर, और इसने तो यहाँ पे अभी मेरे को इधर है पुलिस चौकी में, इधर बाहर दोनों जगह इसने मेरे को दम दिया कि हो ना हो तेरे को ठोकूंगा। सिद्धू जी, आपले क्या वाटचाल असेल, तुम्ही पनवेल महानगरपालिका अध्यक्ष आहात, तुम्ही काय सांगाल की असा जर तुमच्या समाजावरती किंवा आपल्या पार्टीच्या विषयावरती, तुमच्या पार्टीच्या विषयावरती जर असा अन्याय होत असेल तर तुम्ही ह्याला कसा वाचा फोडणार? 100% आज जे घडलं ते खूप निंदनीय आहे। पोलीस प्रशासनाने भले आमची एनसी घेतलेली आहे, परंतु ती एनसी खरी म्हणजे एफआयआर घ्यायला पाहिजे होती, कारण की एक आझाद समाज पार्टी रायगड जिल्हा उपाध्यक्षांना जीव मारण्याची धमकी देणे म्हणजे त्यांच्यासाठी एकदम तोंडावरचा खेळ आहे। यांनी एकदम मोका शब्द सांगितले, एक नाही 10 वेळा सांगितलेलं आहे, पण हे असं होणार नाही। आजचा दिवस जे घडलं ते घडलं, उद्या आम्ही सीपी साहेबांपर्यंत जाऊन बसू, याच्याबद्दल आम्ही रितसर एफआयआर दाखल करून जे कोणी आरोपी असतील, जे इथं हुकुमशाही लावण्याचा प्रयत्न करत असतील, त्याच्यावरती आम्ही तो रोख करण्याचा प्रयत्न करू। आणि या मोहल्ल्यासोबत आणि जे शाळेचा जो विषय चालू आहे त्याच्यासोबत भीम आर्मी आझाद समाज पार्टी पूर्ण ताकदीने उभी आहे, आणि या जो प्रकरण घडलं आम्ही न्याय देण्याचा प्रयत्न 100% पूर्ण करून घेतो। गुणाजी, आपण काय सांगा? आजचा जो वातावरण झाला आहे, हे जे संविधानामध्ये लिहून जे आजचा जो कार्यक्रम तयार केलेला आहे, कारण संविधानाने सगळ्यांना अधिकार दिलेला, हक्क दिलेला, ते मागल्याशिवाय भेटणार नाही, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी असं सांगितलेलं आहे, आणि आज ते वेळ आली होती म्हणून ते गेले होते। आज त्यांच्या मोर्चामध्ये त्यांना समोरच्या माणसाला घाबरपट्टी झाली, कारण आज माझ्यावरती मोर्चा निघाला, माझी उद्या खुर्ची खतरेमध्ये आहे, हा विषय झाला म्हणून आज काहीतरी तांडव करा म्हणून या पोलीस स्टेशनमध्ये, म्हणजे आता काय ज्यांच्याकडे पैसा पॉवर आहे ते सर्व काय करू शकतात। आज आमचा उपाध्यक्ष आझाद समाज पार्टीचा सोपेम मुकादम जर आज याला जीवाच्या धमकी देतात तर उदाहरण कुणालाही गरीबाला देऊ शकतात, पण आज आम्ही भीम आर्मीला, आझाद समाज पार्टी, आज आम्ही अशी थक्कम आहे का जर आमच्या कार्यकर्त्याला कोणी जर हात लावला तर त्याला बदला आम्ही घेण्याची आमची कॅपॅसिटी आहे, आणि ते आम्ही आणि त्यांना हे पण दाखवू का भीम आर्मी आणि आझाद समाज पार्टी काय हे येत्या काळामध्ये दाखवतो, आणि हे जो काय मॅटर आहे आम्ही सर्व कमिशन ऑफिसला बसणार आहे आणि याचा न्याय मागू आम्ही।
हे होते भीम आर्मी तसंच आझाद समाज पार्टी व तसंच आपला पनवेल मोहल्ला चे काही कार्यकर्ते आणि त्यांनी वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला की पनवेल एज्युकेशन ट्रस्ट मध्ये जो घोटाळा चालतोय किंवा जी काही कमिटी आहे जी पूर्णपणे इलिगली बसलेली आहे प्रस्थापित झालेली आहे तर या प्रस्थापित लोकांचं जो अन्याय त्यांचा जो चाललेला आहे त्याच्यावरती वाचा फोडण्यासाठी हा सगळा मीन्स पुकार न्यायाची पुकार सुगन मुकादमच्या माध्यमातून पुकारली गेली. दीपन शिजार कॅमेरामॅन अनविनाश नवी मुंबई पाणी.